नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वीक और मैं हूँ प्रियंका। वक्त हो चला एक और फटाफट का खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। तब तक देखते रहिए न्यूज वीक। यूनिवर्सिटी बिल्ड अ ग्रेट करियर एट पीके यूनिवर्सिटी। एडमिशन ओपन फॉर मेडिकल साइंस, बी फार्मा, एम फार्मा, बीएससी, बीटेक, एमटेक एंड पॉलिटेक्निक डिप्लोमा। कॉन्टेक्ट नाउ www.pkuniversity.edu.in। एड्रेस थांडा विलेज, झांसी रोड, शिवपुरी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और पहली खबर है झांसी से। झांसी नगर वासियों के लिए जल्द उपलब्ध होगी हवाई सेवा। जिलाधिकारी ने किया हवाई पट्टी का और आसपास के क्षेत्रों का भ्रमण। हवाई अड्डे के विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए दिए निर्देश। बुंदेलखंड में पर्यटन की असीम संभावनाएं, बोले जिलाधिकारी। झांसी में 22 जनवरी को एक विशेष लोक अदालत का किया जाएगा आयोजन। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा वैवाहिक विवादों का किया जाएगा समाधान। पारिवारिक विवादों के निस्तारण हेतु किया गया विचार विमर्श। झांसी में लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से किया किसानों से संवाद। प्राकृतिक खेती में तकनीकी के इस्तेमाल के माध्यम से दी जानकारी। जीरो बजट खेती से होने वाले लाभ की भी दी जानकारी। झांसी में विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल द्वारा 18 दिसंबर को निकाली जाएगी वाहन रैली। 6 दिसंबर 1992 को कार सेवक हादसे को शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाएगा। झांसी के मुख्य चौराहों से निकाली जाएगी विशाल रैली। मुक्ताकाशी मंच पर रैली का होगा समापन। झांसी में 75,000 दीप जलाकर अमर बलिदानियों को दी गई श्रद्धांजलि। भारत माता की मूर्ति पर पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम का हुआ शुभारंभ। देशभक्ति गीतों से गूंजा झांसी, शहीदों को किया गया याद। झांसी के पॉज कॉलोनी में बनेगा भगवान परशुराम चौक। भगवान परशुराम के नाम पर कोई चौराहा न होने की पीड़ा होगी खत्म। नगर निगम ने जगह की आवंटित, रखे जाएंगे धनुष बाण और फरसे। झांसी में कांग्रेस ने केंद्रीय गृह मंत्री की बर्खास्तगी को लेकर जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को भेजा ज्ञापन। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी ने सारी हद की पार, बोले प्रदीप जनादित्य। पत्रकारों के साथ बदसलूकी नहीं होगी बर्दाश्त। नाबालिग से दुष्कर्म के अभियोग में वांछित छात्र अभियुक्त को झांसी पुलिस ने किया गिरफ्तार। 5 माह से फरार चल रहा था अभियुक्त, ग्राम खैलार से किया गया गिरफ्तार। न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जेल। झांसी में बीते दिन सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री पर अपमानजनक टिप्पणी करने पर राष्ट्रभक्त संगठन एवं हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने जताई नाराजगी। देश के प्रधानमंत्री एवं राष्ट्र के लिए प्राण निछावर करने वालों का नहीं सहेंगे अपमान, बोले अर्जरिया। गुजरात में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत निकाली गई मोटरसाइकिल रैली। कृषि अधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर रैली को किया रवाना। रैली के माध्यम से किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए किया जागरूक। बबीना में बिना मुआवजे दिए खोद डाली नहर। किसानों ने सिंचाई विभाग पर लगाया मुआवजा न देने का आरोप। किसानों ने जताया आक्रोश, जिला प्रशासन से मुआवजा दिलाए जाने की उठाई मांग। जालौन में फिर मिला पानी के गड्ढे में अधेड़ का शव। शव मिलने से इलाके में मची सनसनी। पुलिस ने शनाख्त के प्रयास किए शुरू। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जालौन के ओरई ओरैया स्टेट हाईवे पर 2 ट्रकों में हुई भीषण भिड़ंत। राहगीरों में मची चीख पुकार। मौके पर पहुंची पुलिस, रेस्क्यू कर ट्रकों में फंसे ड्राइवर को निकाला सकुशल बाहर। आनंद फानंद में पहुंचाया अस्पताल। सर्दियां शुरू होते ही जालौन में बचाव और राहत के कार्य हुए शुरू। जालौन जिलाधिकारी मॉनिटरिंग करके चला रही है अभियान। सड़कों पर निकलकर वस्तु स्थिति का लिया जायजा। गरीबों को कंबल, कपड़े आदि किए वितरित। जालौन में मनाया गया विजय दिवस। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सेना ने भारत के सामने टेके थे घुटने। इस युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को याद कर अर्पित की गई श्रद्धांजलि। क्राइम फ्री जालौन की ओर से बढ़ाए गए एक और सराहनीय कदम। पुलिस ने घेराबंदी कर 2 मोटरसाइकिल चोरों को किया गिरफ्तार। चोरी हुई मोटरसाइकिल की बरामद, सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर भेजा जेल। वहीं रैली में क्षेत्र विधायक एवं प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री अलग अंदाज में आए नजर। 3,27,00,000 की लागत से बने इंडोर स्टेडियम का किया लोकार्पण। स्टेडियम में मंत्री गोपाल भार्गव ने खेला बैडमिंटन। जिला बस्ती में प्रेमिका से मिलना प्रेमी को पड़ा भारी। लड़की के घर वालों ने आशिकी का उतारा फूट। लड़की के पिता पर लड़की ने लगाया साजिश करके मारने का आरोप। प्रेमी की जमकर की मारपीट। लखीमपुर खीरी में मदर चाइल्ड केयर सेंटर के ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन करने पहुंचे अजय मिश्र। पत्रकारों से की अभद्रता, जिस पत्रकार से कहे अपशब्द उसका बयान आया सामने।
पृथ्वीपुर में आयोजित किया गया प्रधानमंत्री आवास योजना स्वीकृत प्रमाण पत्र का कार्यक्रम। 333 हितग्राहियों को वितरित किए गए आवास स्वीकृत प्रमाण पत्र, कई लोग रहे मौजूद। तो ये थी आज की कुछ खास और ताजा खबरें। और फटाफट में कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।